नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्लिनिकल गुरु में। मैं आपका दोस्त चेतन। आज हम शुगर जो टेस्ट है वो बायोकेमिस्ट्री मशीन पे लगाएंगे और देखेगी कि इसका रीडिंग क्या आता है और एक शुगर जो टेस्ट है वो बायोकेमिस्ट्री मशीन पे कैसे रन किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, दोस्तों शुगर जो टेस्ट है वो हमें 1000 माइक्रोलीटर में लगानी रहती है, तो हम पीपेट जो है उसे 1000 पे सेट कर रहे हैं। कोई 500 में भी लगाता है, हम आज 1 ml में लगा के देखेंगे। हाँ, शुगर का जो रिएजेंट है हम निकाल रहे हैं अभी। देखिए ऐसा ये रिएजेंट रहता है, देखिए आपको दिख रहा होगा कि पूरा ये जो रिएजेंट है ट्रांसपेरेंट रिएजेंट रहता है, ट्रांसपेरेंट है। देखिए शुगर निकाल लिया हमने 1 ml। हम अभी उसमें जो है पेशेंट का जो सीरम सैंपल रहता है, पेशेंट का सीरम सैंपल हम उसमें ऐड करेंगे। दोस्तों अभी हमें क्या करना है, उसमें 10 माइक्रोलीटर इसमें हमें सीरम लेना है। देखिए 10 माइक्रोलीटर हम इसमें सीरम ऐड कर रहे हैं, इसमें अच्छे से मिक्स करना है, इसे शेक करना है थोड़ा। और हमें क्या करना है अभी ऐसे शेक करके हमें मशीन में जो इंक्यूबेटर दिया है, देखिए कि यहाँ पे इस पर इंक्यूबेटर है मशीन में, इनबिल्ट मशीन पे रोबोनिक्स जो मशीन है हमारी, ये इसमें इनबिल्ट इंक्यूबेटर है जिसका टेम्परेचर 37 डिग्री पे सेट रहता है ऑटोमेटिक। हमें क्या करना है अभी, इसे 10 मिनट के लिए हम इंक्यूबेटर ऑन है रही है, 10 मिनट हम इसको इंक्यूबेट करेंगे और देखेंगे इसमें कितना कलर डेवलप हो रहा है। शुगर जो टेस्ट है वो इसमें कलर डेवलप होता है, यानी जितना कलर ज़्यादा उतनी शुगर ज़्यादा आएगी पेशेंट, ऐसा रहता है। देखिए हम अभी शुगर के प्रोग्राम पे जा रहे हैं। ये जो मशीन है हमारी, ये टच स्क्रीन मशीन है दोस्तों, टच स्क्रीन मशीन है ये, और कीपी भी ये काम करती है। मशीन में हम वाटर एस्पिरेट कर रहे हैं, देखिए मशीन में एस्पिरेट द वाटर। देखिए अभी मशीन हमें कह रही है कि हमें यूज स्टोरेज स्टैंडर्ड यस और नो, हमें स्टैंडर्ड फिर से लगाना है या वही रह देना है। तो हमें फिर से स्टैंडर्ड नहीं लगाना है क्योंकि मशीन ने ऑलरेडी स्टैंडर्ड हमने सेट किया हुआ है, तो हम इसको अभी यस करेंगे। देखिए यस किया, ब्लैंक, ब्लैंक भी यस करना है। देखिए मशीन अभी रेडी हो चुकी है और ये जो इंक्यूबेशन हमने किया था उसको भी, उसका भी टाइम हो गया है, उसको 10 मिनट हो गए। देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें कितना कलर डेवलप हो गया है, यानी जितना कलर ज़्यादा उतनी शुगर पेशेंट की ज़्यादा आएगी, ऐसा हमें पता चलता। तो हम देखेंगे अभी, ये हम जो लगा रहे हैं दोस्तों ये पोस्टमिल का सैंपल है पेशेंट का। देखिए पेशेंट का रीडिंग आप देख सकते हैं 195 आया है। पोस्ट मिल की जो नॉर्मल रेंज रहती है वो 110 से 160 तक रहती है, यानी 195 आ गए, 195, यानी ये जो रिजल्ट है वो हाई आ गया है। और हम अभी हम क्या करेंगे,
हम एक बार जो सैंपल हमने लिया था वो फिर से एक बार लगा के देखेंगे कि फिर से इसका रिजल्ट कितना आता है। उसी सैंपल से हम फिर से एक बार एस्पिरेट कर रहे हैं और तो देखेंगे अभी कितना रिजल्ट आता है। ठीक है, 199 आ गया, पहले 195 आया था, अभी 199 आ गया, दोनों ही बराबर है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई हमारा नया दोस्त देख रहा है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा अपना चैनल, तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।